हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका LLB थर्ड ईयर और BLLB फिफ्थ ईयर का मेन एग्जामिनेशन पेपर। देख लेते हैं, ट्रस्ट इक्वलिटी एंड फ्रेडरी का ये पेपर है रिलेशनशिप का, इसे देख लेते हैं। वही हर बार की तरह 2 आवर्स मिले थे आपको इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए और 100 क्वेश्चन थे, 100 में से आपको 80 सॉल्व करने थे। चलिए देख लेते हैं आपका कितना स्कोर बन रहा है, देन आप हमें स्कोर के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय अधिनियम 1882 की कौन सी धारा घोषणा करती है कि न्यायाधीश प्रत्यायोजन नहीं कर सकता। ये है आपका आंसर बी, आंसर है बी, धारा 47। भारतीय न्याय अधिनियम 1882 की कौन सी धारा न्यायाधीश की विवेकाधीन शक्तियों का नियंत्रण कर सकती है, ये जो है बी, इसका आंसर है बी। भारतीय न्याय अधिनियम 1882 की कौन सी धारा हिताधिकार हितकारी के भाटकों और लाभों से संबंधित है, इसका आंसर है ए। ओके, भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 60 संबंधित है, किससे संबंधित है, ये है आपका बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 जो है वो है, भारतीय न्याय अधिनियम 1882 की कौन सी धारा न्याय भंग में सम्मिलित होने वाले हिताधिकारी के दायित्व से संबंधित है, इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी। न्याय अधिनियम 1882 की कौन सी धाराएं न्यायाधीश पद रिक्त हो जाने के विषय का वर्णन करती हैं, ये है 72-76। भारतीय न्याय अधिनियम कौन सी धारा अवैध प्रायोजन के लिए अंतरण से संबंधित है, इसका आंसर है डी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सूत्र प्राथमिकता के सिद्धांत से संबंधित है, इसका आंसर है बी, जहां साम्य समान है वहां समय की दृष्टि से पूर्व अभिभावी होगा। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन है, देखो नाइन्थ क्वेश्चन है, प्रमुखवाद SB बनाम हाइट 1704 संबंधित है साम्य किसी अप्रकृति के उपचार विहीन से, इसका सॉरी ये नहीं होगा, इसका बी होगा, आंसर बी। ओके, प्रमुख बाद पेन बनाम बाल्टीमोर संबंधित है, किससे संबंधित है, इसका आंसर होगा सी। ओके, किसने कहा कि साम्य विधि का शोधन है क्योंकि विधि अपनी व्यापकता के कारण दोषपूर्ण है, किसने कहा था ये, ये जो कहा था वो था अरस्तु। ओके, साम्य समस्त विधि की आत्मा तथा अंतरात्मा के रूप में करते हैं, उसके द्वारा विद्यात्मक विधि का अर्थ लगाया जाता है और प्राकृतिक विधि की रचना की जाती है। इस संबंध में साम्य न्याय का पर्याय है क्योंकि वह नियम या यथार्थ तथा सुसंस्थित अर्थ है, साम्य की यह परिभाषा किसने दी थी, इसका है ब्लैकस्टोन। ओके, रोम में साम्य का प्रवेश किसके द्वारा किया गया, रोम में साम्य का प्रवेश किसके द्वारा किया गया, ये है प्रेटर। ओके, किसने कहा कि विधि की नदी जिसका उद्गम चांसरी न्यायालय था वह एक ऐसे जलबंध में पहुंचती थी जिसके रक्षक सामान्य विधि के न्यायाधीश होते थे और दूसरी ओर केवल एक मंद सूक्ष्म धारा निकल पाती थी, इसके जो आंसर है वो है हेनवरी, किसने कहा था, हेनवरी। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य विधि के न्यायालय नहीं है, इसमें से देखिए ये क्वेश्चन डाउटेबल है तो मैंने ड्रॉप किया है। साम्य का मूलार्थक भाव है क्या है, बी आंसर, प्राकृतिक नियमों की निष्पक्षता और न्याय पर आधारित यथार्थता। ओके, 17 क्वेश्चन देख लेते हैं, साम्य है इंस्पायर्स अंतकरण को प्रेरित करती है। ओके, 18 को देख लेते हैं, 18 है, साम्य एक संबंधित है, किससे संबंधित है, ए से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा इंग्लैंड में साम्य का उद्गम है, 13th century। ओके, स्वतंत्र सम्मति के बिना किए गया करार होगा, क्या होगा, ये आंसर है आपका वॉइड, क्या होगा, वॉइड।
स्वतंत्र सम्मति के आवश्यक तत्व हैं कि जब वह निम्नलिखित द्वारा नहीं कारित की गई हो। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ओके, देखें एंडियो इन्फ्लुएंस इज डिफाइंड, है ना, ये जो डिफाइंड है वो है आपका सेक्शन बी। ओके, सेक्शन बी देख लेते हैं। विच सेक्शन ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 प्रोवाइड्स दैट द ट्रस्टी टू एग्जीक्यूट ट्रस्ट। सेक्शन 11 इज द राइट आंसर। अब यहाँ सेक्शन 11 है, इसका बी आंसर होगा। विच सेक्शन ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 प्रोवाइडेड द ट्रस्टी नॉट सेट अप टाइटल एडवर्स ऑफ बेनिफिशरी। तो इसका आंसर होगा 14 बी। बी इज द राइट आंसर। ओके, सर्वाइवल ऑफ ट्रस्ट डील विद विच सेक्शन अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, ये होगा 76। ओके, विच सेक्शन ऑफ डिस्क्राइब ऑफ ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम द ट्रस्टी अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, दैट इज द आंसर ऑफ ए। ओके, द इंडियन ट्रस्ट एक्ट कम इन टू द फोर्स ऑन 1 मार्च। ओके, कब? 1 मार्च 1882। ओके, दैट इज द आंसर ऑफ ए। द पर्सन हु एक्सेप्ट द कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड ट्रस्टी। क्या? ट्रस्टी। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इक्वेटी, ये होंगे आपके लॉर्ड नॉथिंगम। हु इज द फर्स्ट लीगल चांसलर, हु इज द फर्स्ट लीगल चांसलर, दिस इज द डाउटेबल क्वेश्चन फॉर सी एंड डी, सो यू आर चेक दिस क्वेश्चन। ओके, अंडर विच द सेक्शन ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 इज डिफाइंड ऑफ ट्रस्ट एक्ट, वो है सेक्शन 3। ओके, हु मे बी ट्रस्टी इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 इज सेक्शन ऑफ 10। ये देख लेते हैं 33, यानी कि 33 देख लेते हैं। 33 का जो है डॉक्ट्राइन ऑफ कैप्सिस इज रिलेटेड टू दिस इज द क्लोट, यह क्लोसेस्ट पॉसिबल, यानी कि निकटतम संभवता। ओके, हु कैन बी ट्रस्टी मैरिड वूमेन। क्या है? मैरिड वूमेन। देखें, कोई एक व्यक्ति एक ही दस्तावेज को स्वीकार करता है, अस्वीकार नहीं कर सकता, यह संकेत किसका होता है? दैट्स द निर्वाचन का सिद्धांत। ओके, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच ऑफ मैगजीम अप्लाई ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शंस, इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा आधार सूत्र परिवर्तन के सिद्धांत पर लागू होता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। इसका आंसर होगा बी। ओके, 38 देख लेते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन ऑफ द परफॉर्मेंस इज द बेस्ड ऑन विच मैगजीम। ओके, इसका आंसर जो है वो है ए, दैट इज द डाउटेबल क्वेश्चन, प्लीज चेक दिस क्वेश्चन। ओके, बाय द मैरिज द हस्बैंड एंड वाइफ आर द पर्सन इन लॉ, हु सेड, कौन थे ये? ब्लैकस्टोन। ओके, न्याय सी के उन्मोचन का प्रावधान है, सेक्शन 71। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत स्ट्राहन द्वारा प्रवासित किया गया? ये कौन सा सिद्धांत था? डॉक्ट्राइन निर्वाचन और इलेक्शन का। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ द कैप्सिस इज द एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, यानी कि बोथ। ठीक है जी, वेयर इज द ट्रस्टी ऑफ ससेज्ड एनोदर ही इज नॉट लायबल फॉर द डिफॉल्ट इज द प्रोसीडिंग। ओके, देखते हैं 44 देखते हैं। न्यायाधीशों की क्षतिपूर्ण का प्रावधान दिया गया है, किसमें दिया गया है? सेक्शन 30 में, चैप्टर 4। ठीक है, देख लेते हैं। एग्जिक्शन ऑफ द ट्रस्ट इज विच सेक्शन ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, ये है आपका 77-79। ओके, स्टिकलैंड एंड द एल्ड्रीज इज द 9 वेज ऑफ द 516 केसेस रिलेटेड विद। देखिए, दैट इज द आंसर ऑफ ए एंड बी, प्लीज चेक दिस क्वेश्चन,
ए एंड बी इसमें से कोई एक है इसका आंसर। ठीक है, लीडिंग केस ऑफ द स्ट्रिगिस वर्सेस यह चम्पेज 1839 इज रिलेटेड विद द मैगजीन, इसका जो आंसर है वो डाउटेबल है। कुछ क्वेश्चंस डाउट हैं यहाँ पर, 48 और 49 भी डाउटेबल हैं, तो मैंने ये ड्रॉप किए हैं, आप इन्हें देखें और कमेंट करके मुझे इनके आंसर भी बताएं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, यह है डिस्क्लेमर बाय द बेनिफिशरी इज द पोर्शन ऑफ, देखो किस में है, सेक्शन 9 में है। ओके, हाउ मेनी सेक्शन ऑफ द चैप्टर आर देयर, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 इज द 96 होगा इसका आंसर, 9 and 96, दैट इज द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, 52 देखेंगे, 52 इज द आंसर, ठीक है, 52 का जो आंसर है वो है डी। ओके, 52 का जो आंसर है वो है डी। अब देखें 53 का जो आंसर है वो है सर थॉमस मोरे। ओके, 54 देखें, हु सेड दैट द लॉर्ड नॉटिंगम टर्न्ड द इक्वालिटी फ्रॉम द मैटर ऑफ टू चेंज इनटू द मैटर ऑफ प्रिंसिपल, इसका आंसर है बी। ओके, 55 देने के लिए मैं निम्नलिखित में से कौन सा साम्य आधिकारिक क्षेत्र का वर्गीकृत करता है, इसका आंसर है डी। अब मैं फास्टली इन्हें लगा देता हूँ, फास्टली आप इन्हें चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर क्या है ना। चलिए चलते हैं, 56 का जो आंसर है वो है सी। ओके, 57 का है आंसर ए, 58 का जो आंसर है वो है सी। ओके, 59 का जो आंसर है वो है बी, 59 का जो आंसर है वो है बी, 60 का आंसर है वो है ए, 61 का है ए, 61 का है ए, 62 का है आपका डी, 62 का है आपका डी, 63 की जब हम बात कर रहे हैं तो 63 का है 88, और 64 को अगर हम देखें तो इसका आंसर है डी। ओके, 64 को, 65 की अगर हम बात करें तो 65 का आंसर है डी, 66 को अगर देखें तो 66 का आंसर है वो है देखिए डी, इसका आंसर है डी, 67 की अगर बात करें 67 इसका आंसर है 78। देखें, हु वाज द जज ऑफ द नाइट वर्सेस द कनाइट, नाइट वर्सेस नाइट ऑफ द 1840 केस इज द रिलेटिव टू द लॉर्ड लैंगडले, यह है आंसर सी। देखें 69 की अगर हम बात करते हैं तो 69 अमोंग द फॉलोइंग विच ऑफ द सेक्शन रिलेटेड बाय द लाइबिलिटी फॉर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसका आंसर है सी, इसका आंसर है सी। ओके, 70 क्वेश्चन देखेंगे, 70 क्वेश्चन, द पर्सन हु डिक्लेयर द कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। ओके, न्यायकर्ता, भारतीय न्याय अधिनियम 1882 के अंतर्गत चल संपत्ति के न्याय के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, इसका आंसर होगा आपका सी, इसका आंसर होगा आपका सी। 72 देखेंगे, द सब्जेक्ट ऑफ द मैटर ऑफ ट्रस्ट मस्ट बी द प्रॉपर्टी ट्रांसफरबल टू द बेनिफिशियरी, टू द बेनिफिशियरी इसका सेकंड आंसर होगा। अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द सेक्शन इज द डिफाइंड ऑफ फ्रॉड, ये जो है वो है ए। ओके, ए इज द राइट आंसर। देखें 74 देखें, अमंग द फॉलोइंग विच आर द सेक्शन डील इफेक्ट द मिस्टेक एज द लॉ अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज द आंसर ऑफ 21। ओके, बी। 75 देखेंगे, 75 है साम्य किसी अपकृति को उपचार विहीन नहीं रहने देगा, निम्नलिखित में से एक लागू होता है, किस पर लागू होता है, बी। ओके, किस पर लागू होता है, बी। ओके, 76 देखेंगे, 76 जो है साम्य विधि का अनुसरण करता है, निम्नलिखित में लागू होता है, इसका आंसर है सी। ओके, साम्य चाहने वालों को साम्य का पालन करना चाहिए, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी पर लागू होगी, किस पर लागू होगी, सभी पर लागू होगी, इसका आंसर मैंने ड्रॉप किया है, आप इसे खुद से चेक करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे। ओके, 78 देखेंगे, 78 हु द कम्स ऑफ इनइक्विटी मस्ट केम विद द क्लीन हैंड सेल अप्लाई टू द फॉलोइंग सेक्शन इज द
आंसर ऑफ ए सेक्शन 23 इज अ इंडियन ट्रस्ट एक्ट. ओके, डिले द डिफीट्स इक्विटी सेल द अप्लाई टू द फॉलोइंग. इसका दैट इज द आंसर ऑफ डाउटेबल. सो यू कैन चेक दिस क्वेश्चंस. ओके, 79 और 80 टू क्वेश्चन आर डाउटेबल. अब देखें 81, साम्य प्रारूप नहीं आशय पर विचार करता है. इसका आंसर है ए एंड सी. ओके, 82 की बात हम कर रहे हैं तो 82 का आंसर है सेक्शन 43. ओके, यहाँ देखें 83 की अगर हम बात करें तो 83 का जो आंसर है वो है ए एंड बी. 84 की बात करें, जहाँ साम्य समान हो वहाँ विधि अभिभावी होती है, निम्नलिखित में से लागू होगी. किस पर लागू होती है ये हम बात करते हैं सेक्शन 78 है ना, वो भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट. ओके, 85 हम देखते हैं. 85, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच आर नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कॉन्फिडेंस, ये इसका आंसर है, यानी कि डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अमॉन्ग द फॉलोइंग विच नॉट कॉमन लॉ ऑफ डिफेंस इज, ओके, नन ऑफ द अबव. ओके, डी इज द राइट आंसर. द ओरिजिन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इक्वलिटी इन द इंग्लैंड हुज द डिवाइडर्स ऑफ द थ्री पीरियड्स विज द मेडिवल द ट्रांसफॉर्मेशन एंड द मॉडर्न पीरियड. इसका आंसर होगा लॉर्ड प्रोफेसर हैनबरी. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग केस टू द रिलेशन बिटवीन द इक्विटी एंड कॉमन लॉ. इसका आंसर है डुडले. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट प्रोवाइड दिस द ट्रस्ट मनी कैन बी द इन्वेस्टेड बाय ट्रस्टी. ओके, इसका आंसर है आपका 20 सेक्शन 20. द सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 डील विद बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91. सेक्शन 15 इज द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 डील विद द केयर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रस्टी. ओके, विच सेक्शन ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 डील्स ऑफ नॉन लाइबिलिटी फॉर द प्रेडिसर्स डिफॉल्ट. ओके, दैट इज द आंसर ऑफ सेक्शन 25. बी इज द राइट आंसर. ओके, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एक्ट डील्स विद द ट्रस्टी टू बी द इम्पार्शियल. ओके, इम्पार्शियल की हम बात करते हैं तो वो है सेक्शन 17. ओके, सेक्शन 17 इज द राइट आंसर. ओके, 94 देखते हैं. विच सेक्शन ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 डील्स विद द अकाउंट एंड इंफॉर्मेशन. दैट इज द आंसर ऑफ बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, फॉर दिस क्वेश्चन बी इज द राइट आंसर. क्या है, बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देख लेते हैं, 95 देख लेते हैं. विच सेक्शन ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 इज द रिलेटेड ऑफ सेवरल लाइबिलिटी ऑफ को ट्रस्टीज, है ना, दैट इज द आंसर ऑफ बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सेक्शन 26 हैव अ सर्वेयर ऑफ लाइबिलिटी एंड द को ट्रस्टीज. ठीक है, विच सेक्शन ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 इज द रिलेटेड टू राइट टू द टाइटल ऑफ डीड ऑफ ट्रस्टी. That is the 31. Section 31 has a title of deed. Title of deed with the trustee. Okay. Next चलते हैं. Next question है, which section of the Indian Trust Act 1882 the describes of right of state settlement of account of trustee. So that is the answer of B. Answer B. Section 35 of Indian Trust Act 1882 describe the right of settlement of accounts of trustee, है ना. Next चलते हैं, which section of Indian Trust Act 1882 describe the right of the reimbursement of expenses of trustee. That is the answer of 32. Okay, 99 देखते हैं. Which section of Indian Trust Act 1882 is related to the suspensions of trustee power of degree. That is the answer of 45. The D is the right answer for this question. Last of the 100 questions, which section of Indian Trust Act 1882 is the related of the trustee cannot raise resources after the exception? Yeah, that is the answer of C.
दैट इज़ द आंसर ऑफ सी। यानी कि भारतीय न्याय अधिनियम 1882 की कौन सी धारा न्यायसी प्रतिग्रहण कर लेने के पश्चात त्याग नहीं कर सकता है, ये संबंधित है किससे, सेक्शन जो धारा 46 से। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन, लगभग मैंने 8 क्वेश्चंस के आंसर ड्रॉप किए हैं, आप उन्हें चेक करिए और अपना स्कोर भी हमें कमेंट करिए कि कितना आपका स्कोर बना है। अभी मैं बहुत ही मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा आपकी थर्ड ईयर की फाइल के लिए, आपकी 2 फाइल्स तैयार होंगी तो उनकी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको मिलेगी। तो तब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।